छत्तीसगढ़ के बालोद जिला का नाम देश भर में रोशन हो रहा है। स्वच्छता के नाम पर अनेक पुरस्कार प्राप्त कर रहा है, लेकिन बालोद नगर पालिका सफाई अभियान के नाम पर पानी फिर रहा है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बालोद नगर पालिका की लापरवाही के कारण कृष्णा कुंज के पास कुंतरू पारा वार्ड क्रमांक 15 में रहने वाले लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। वहां के रहवासियों को मूलभूत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड में आवागमन के लिए सीसी रोड तो बनी है, परंतु नालियां अभी तक नहीं बन पाई हैं, जिसके कारण से घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़क पर बह रहा है और लोगों को मजबूरी से यहां से होकर गुजरना पड़ता है। गंदगी से परेशान लोग कई बार जनप्रतिनिधियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो सका। यह नगर पालिका के अधिकारियों की नाकामी को दर्शाता है। जैसा कि स्वच्छ भारत सुंदर भारत का स्लोगन नगर पालिका परिषद द्वारा चौक चौराहे पर लिखा गया है, लेकिन इसके विपरीत यहाँ पर लगा बालोद नगर में और स्वच्छता को लेकर नगर पालिका प्रशासन गंभीर नहीं है। और यहाँ पर जितने भी वार्ड में गंदगी पसरा हुआ है और खासकर यहाँ की जो नालियों की व्यवस्था है वो तो बदतर से बदतर है, क्योंकि यहाँ पर गंदगी के पानी के लिए पर्याप्त नाली की व्यवस्था नहीं है। अभी यहाँ पर कृष्ण कुंज फॉरेस्ट विभाग द्वारा बनाया गया, वहाँ का पानी रोड में जा रहा है, जहाँ के वहाँ के मोहल्ला वासियों को रहना दुर्भर हो गया है। पालिकाएं परिषद अपने काम तो करती है, फिर भी एक आम लोगों को भी एक जागरूकता होनी चाहिए कि जो हमारा कचरा है वो निर्धारित स्थान पर फेंके, पानी निकासी की उचित व्यवस्था बनाए। अभी बहुत सारे क्षेत्रों पर ऐसे होते हैं कि नगर पालिका निगम क्षेत्रों पर जो बिना परमिशन के जो मकान बन जाते हैं वो भी एक बड़ा कारण रहता है कि जिसके कारण से उनको नाली का निर्माण नहीं हो पाता, सड़क का निर्माण नहीं हो पाता, वो बहुत सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, उसको नगर पालिका द्वारा धीरे धीरे पूर्ण रूप से संचालित किया जाता है, तब जाकर वो सारी व्यवस्थाएं बनती है।